हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये डिजाइनिंग ब्लाउज सिलाई करके दिखाऊंगी। पिछले वीडियो मैंने कटिंग किया था, अगर आपने कटिंग की वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहो तो वहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हो। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, जिस तरीके से मैंने पेपर पर काट किया था उसी हिसाब से मैंने बैक पार्ट यहाँ पर काटिंग कर लिया। कहीं से भी ज़्यादा लेने का कोई भी ज़रूरी नहीं, बराबर सेम तरीके से मैंने काट कर लिया। तो अभी देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या करना है। यहाँ पे देखिए नेक साइड पे और आर्म होल पे बराबर लेना है, सिर्फ हमें यहाँ पे पाओ सिलाई मार्जिन लेना है। तो जितना आप अंदर की तरफ से रखोगे सिलाई करते वक्त, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ से भी देखिए बराबर लेना है, सिर्फ यहाँ से हमें पाओ ज़्यादा लेना है। और यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे हमें पाव इंच ज़्यादा लेना है इस तरफ से। ये आर्म होल साइड है, यहाँ पे सेम लेना है। इधर भी हमें बराबर लेना है, कोई भी एक्स्ट्रा हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। यह नीचे की तरफ, इधर भी हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अभी हमें काट कर लेना है। ये काट हो गया, यहाँ पर आपको जरूर निशाना लगा के रखना है। हल्का सा मैं यहाँ पे काट लगा लूंगी। ये भी काट हो गया है। अभी हमें सेम तरीके से अस्तर काट कर लेना है। तो देखिए मैंने अस्तर काट कर लिया, बराबर मिला के मैंने अस्तर काटिंग कर लिया। देखिए बैक और फ्रंट दोनों मैंने कंप्लीट कर लिया। तो अभी देखिए, अगर आपको कप्स लगाना है इसके अंदर, तो आपको दोनों पार्ट अलग अलग सिलना है। अस्तर और ब्लाउज का फैब्रिक दोनों आपको अलग सिलना है, लेकिन मैं इस पर काफ नहीं लगाऊंगी, नॉर्मल तरीके से मैं इसको सिलाई कर लूँगी। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हमें डिज़ाइन के लिए यहाँ पे पहले चारों ओर घुमा के हमें सिलाई देना है। अस्तर और ब्लाउज का फैब्रिक दोनों एक साथ सिल लेना है। सिलने के बाद ही हमें यहाँ पे डिजाइन करना है। तो यहाँ पे डिजाइन के लिए देखिए देखिए फ्रंट पे भी ओपन नहीं है और बैक साइड पर भी ओपन नहीं है, तो जिसके कारण आपको यहाँ पे फ्रंट नेक पे जो डिजाइन होगा ये थोड़ा आपको ज़्यादा करके देना होगा, इसका साइड में हुक होगा। तो देखिए नॉर्मली पहले मैंने कितना लिया था, 2.5 इंच लिया था। यहाँ पे 3 इंच से मैंने 2 सूत कम लिया था फ्रंट नेक डिप, लेकिन यहाँ पे हमें और भी लेना है। तो देखिए कितना इंच तक आप ले सकते हो, आपको मिनिमम 7.5 इंच से 8 इंच तक आपको ये डिज़ाइन लेके आना है, नहीं तो आपको ये पहनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप चाहो तो बैक साइड पर 1-2 हुक लगा सकते हो, तो पहनने में बहुत ही ईजी होगा। और अगर बैक साइड पर कोई भी हुक नहीं देना है उस टाइम पर, आपको यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है थोड़ा आपको ज़्यादा करके देना है, नहीं तो आप पहन नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखिए और एक बात, अगर आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन है ये अलग नहीं करना है, फ्रंट पे कोई भी काट नहीं देना है, उस टाइम पे आपको बैक साइड पे 2 हुक, मिनिमम 2 या 3 हुक आपको लेना है, नहीं तो आप ये पहन नहीं पाओगे। तो डिज़ाइन के लिए देखिए, तो मैं 8 इंच रखूँगी, तो यहाँ पर देखिए 2.5 छोड़ दीजिएगा यहाँ पर। तो 2.5 छोड़ दे, देखिए अभी कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 इंच से मैं 2 सूत ज़्यादा रखूँगी, इतना हमें डिजाइन के लिए चाहिए। तो इसके लिए देखिए मैंने कैनवास लिया, आप चाहो तो वक्रम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कैनवास थोड़ा सॉफ्ट होता है इसलिए मैंने कैनवास लिया। देखिए इस तरह से इसको 2 फोल्ड करना है। अभी चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ से देखिए हमें 5 इंच से 2 सूत हमें ज़्यादा लेना है, इतना तक हमें लेना है। तो बिल्कुल इसकी मिडल में से हमें
और एक निशाना देना है। यहाँ पे देखिए आप कितना लेना चाहोगे, आप अपनी पसंद के हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा कम ले सकते हो। मैं यहाँ पे देखिए 1.5 रखूँगी तो पहनने में थोड़ा इजी होगा। अभी देखिए यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखूँगी मैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी, अगर आपको ये डिज़ाइन और भी छोटा चाहिए उस टाइम पे आपको बैक साइड पे कार्ड जरूर रखना है। और यहाँ पे देखिए अभी एक्स्ट्रा कितना लेना है, इतना एक्स्ट्रा लेने से हो जाएगा, ये कॉलर के अंदर चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे इतना चौकोर नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें थोड़ा नीचे की तरफ लेके आना है। तो देखिए अभी इसको काट कर लेना है। इस तरह से देखिए फ्रंट में ये डिजाइन होगा, तो देखिए जो डिजाइन है बिल्कुल मिडल में होगा, यहाँ पे होगा इस तरह से। तो इसको पहले अलग फैब्रिक पे हमें चिपकाना है। तो देखिए इसको फैब्रिक पे चिपकाने के लिए आपको इसके दो साइड है, कौन सा साइड आपको फैब्रिक के ऊपर रखना है। देखिए इस साइड पे आप देखिए यहाँ पे हल्का सा शाइन है, और इस साइड पे देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये फैब्रिक के ऊपर की तरफ रखना है और ये जो शाइन है ये नीचे की तरफ रखना है। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा ग्लू की तरह रहता है जो फैब्रिक पे बहुत ही इजीली चिपक जाता है। अभी देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको काट कर लेना है। इसको इस तरह से बराबर मिला के हमें सिल लेना है। यहाँ पे पहले इस तरह से पूरा घुमा के मैं सिलाई लगा लूँगी। देखिए बिल्कुल मिडिल में से हमें निशाना देना है। अभी देखिए इसको मिडिल पे से हमें बराबर मिला के यहाँ पे पहले पिन अप कर लेना है। इस तरह से अंदर की तरफ से हमें सिलाई देना है, जो मैंने ये कैनवास है बिल्कुल कैनवास के यहाँ पे किनारे पे हमें यहाँ पे सिलाई देना है, कैनवास के ऊपर ये सिलाई नहीं आना है। पहले मैं यहाँ पे सीधा करके मिडल पे एक सिलाई लगाऊंगी। अभी देखिए यहाँ पे सिलाई देना है।
ऊपर तक ये सिलाई आपको उठा लेना है। सिलाई हो गया है। अभी देखिए हमें मिडिल में से, बिल्कुल मिडिल में से हमें काट लगाना है यहाँ पे, इस तरह से। फिर यहाँ से हल्का सा फैब्रिक हमें छोड़ देना है। नीचे की तरफ हमें काट लगाना है। जहाँ तक ये सिलाई है बिल्कुल वहीं तक हमें लेके जाना है। अभी देखिए नीचे की तरफ जो मैंने एक्स्ट्रा सिलाई दिया था इसको भी खोल लेना है। अब इसको अंदर की तरफ पलटना है, उसके पहले यहाँ पे हल्का हल्का हमें कट्स लगाना है। बहुत ही इजीली ये अंदर की तरफ चला गया है। अभी यहाँ पे चाहो तो आयरन भी कर सकते हैं या ऊपर से आप सिलाई भी दे सकते हो, तो मैं यहाँ से ऊपर से सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए यहाँ पे हो गया है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं डिजाइन के लिए लेस लगा लूंगी। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी लेस या पाइपिंग आप लगा सकते हो। अभी बैक पार्ट तैयार करना है। अस्तर और ब्लाउज के फैब्रिक दोनों सेम तरीके से यहाँ पे चारों ओर घुमा के सिलाई देना है। तो बैक साइड पे देखिए मैंने टैक्स भी लगा लिया यहाँ पे दोनों साइड पे। नॉर्मल कोई भी ब्लाउज पे जिस तरीके से होता है सेम तरीके से हमें टैक्स लगा लेना है। अभी देखिए बैक और फ्रंट दोनों का शोल्डर हमें ज्वाइन करना है। फ्रंट का देखिए जो ये पार्ट रहेगा इसको भी सेम तरीके चारों ओर घुमा के हमें सिलाई देना है।
यहाँ पे बिल्कुल मिडल में से ये बास्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमें एक टैक्स देना है, इसकी मिडल में हमें ये टैक्स देना है। मिडल में ये टैक्स देने से फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए मैं मिडल में ये टैक्स देती हूँ। और मिडल का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है वो भी टैक्स के अंदर चला जाता है, इसलिए ये देने से बहुत ही फायदा होता है। अभी देखिए साइड का जो ये पार्ट है, ये दोनों पार्ट को एक साथ करना है, फिर यहाँ पे सिलाई देना है। आप चाहो तो ऊपर से भी सिल सकते हो, चाहो तो नीचे की तरफ से भी आप सिल सकते हो, यहाँ से इस तरह से। लेकिन आपको ये दोनों टास्क बराबर मिला के लेना है, नहीं तो आपका यहाँ पे फिटिंग अच्छा नहीं होगा। इस तरह से चारों ओर घुमा के मैं यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा लूंगी। तो यहाँ पे देखिए पहले नॉर्मल तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई किया, लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा और भी ज़्यादा करके यहाँ पे सिलाई देना है, नहीं तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा फुलान होता है, थोड़ा सा अंदर की तरफ से ये सिलाई देना है। कोई भी साइज का ब्लाउज हो आपको इस तरह से अंदर की तरफ से थोड़ा सा दबा के ये सिलाई देना है, तब देखिएगा आर्महोल के सामने की तरफ जो हल्का सा फुलान होता है ये फुलान आपका नहीं होगा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो शेप कितना अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से ये शेप निकाल आया है। यहाँ पे देखिए अभी दोनों साइड पे सेम तरीके से हमें सिल लेना है। अभी देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फेब्रिक रहता है जिसके लिए यहाँ पे एक टैक्स देने से फिटिंग्स बहुत ही अच्छा होता है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बास्ट पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे निशाना दिया, उसी निशाना के हिसाब से मैं यहाँ पे टैक्स लगा लूंगी। तो यहाँ पे टैक्स देने के बाद यहाँ पर शेप देखिए और भी अच्छा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी बैक और फ्रंट दोनों साइड का शोल्डर हमें पहले ज्वाइन करना है। शोल्डर ज्वाइंट हो गया है, अभी हमें कॉलर के लिए मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए आप चाहो तो इस तरह से टू फोल्ड करके भी ले सकते हो, या चाहो तो आप ऐसे भी ले सकते हो, यहाँ पे इंची टेप को इस तरह से घुमा के मेजरमेंट लेना है। देखिए यहाँ पे 15.5 इंच हुआ है, हल्का सा हमें ज्यादा हुआ है, तो जितना हुआ है उसी हिसाब से हमें कॉलर काटना है। तो कॉलर के लिए मैंने एक कैनवास लिया, इसको भी मैंने टू फोल्ड किया, यहाँ से देखिए ओपन साइड, तो यहाँ पे चौड़ाई में देखिए मैंने कितना लिया, 7.5 इंच यहाँ तक है। अभी यहाँ से देखिए आपको मिनिमम 2.5 इंच ऊपर की तरफ उठाना है, 2.5 इंच, उसके बाद जितना इसका है मिडल से हमें यह शेप देना है, इसको इसके साथ मिला देना है इस तरीके से। मिलाने के बाद देखिए आपको कॉलर की चौड़ाई कितना लेना है, यहाँ से बहुत ही अच्छे से मिला देना है। तो यहाँ पे कॉलर आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हो, 1 इंच भी दे सकते हो, या इससे थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो, 1.2 भी आप दे सकते हो। यहाँ पे मैंने 1.2 इंच लिया, बराबर इसको मिलाना है। अभी यहाँ पे देखिए हमें शेप देना है, तो शेप देने के पहले हमें कितना चाहिए था, 15.5 इंच कॉलर का लंबाई चाहिए था, उसी हिसाब से यहाँ पे पहले थोड़ा चेक कर लेना है।
तो देखिए यहाँ था के 15, तो मैं 200 ज़्यादा रखूँगी, 15½ इंच यहाँ तक होगा। इसको देखिए अंदर की तरफ ऐसे गुलाई देना है, इस तरह से दे सकते हो। यहाँ पे चाहो तो और भी थोड़ा सा इस तरह से आप दे सकते हो। देख सकते हो ये परफेक्ट तरीके से कटिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से रहेगा फ्रंट की तरह, इस तरह से। तो अभी इसको भी सेम अलग फैब्रिक में चिपकाना है। आयरन से इसको चिपका लिया और दूसरा सेम फैब्रिक मैंने काट कर लिया। अभी आप चाहो तो पहले यहाँ से भी सिल सकते हो, ये नीचे की तरफ रहेगा। अभी अंदर की तरफ से हल्का हल्का हमें कट्स लगाना है। अभी यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको काट कर लेना है, लगभग हाफ पीस के आसपास यहाँ पे रखना है। अभी इसका पलटना है। इसमें चाहो तो आप हल्का सा आयरन भी लगा सकते हो। ये हो गया है। अभी देखिए मिडल में से मैंने हल्का सा काट लगा लिया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए जो ब्लाउज का फैब्रिक है ये बैक साइड है, इसमें भी बिल्कुल मिडल में से हल्का सा काट लगा लेना है। तो अभी आप चाहो तो मिडल से भी लगा सकते हो, चाहो तो यहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ये जरूर अंदर की साइड से लगाना है, अंदर की साइड से ये बाहर की तरफ आएगा। देखिए इस तरह से होगा। अभी यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट सिल सकते हो, बिल्कुल यहाँ से। सेम तरीके से इस तरह से होगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आप यहाँ पे आप चाहो तो कोई भी लेस लगा सकते हो। मैं यहाँ से चार और घुमा के ऊपर से मैं ये लेस लगा लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी सिर्फ यहाँ पे आपको हुक या बटन कुछ भी यहाँ पे एक लगा लेना है यहाँ पे। अगर आप चाहो तो नहीं लगाना से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी इसमें देखिए अलग से उदय पट्टी लगाना है और साइड पे फिटिंग्स देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कॉलर पूरा तैयार हो गया है। यहाँ पे कोई भी डिजाइनिंग बटन या आप यहाँ पे हुक लगा सकते हो। अभी हल्का सा इसमें आयरन करना है। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा लिया, आप चाहो तो इसमें भी लेस लगा सकते हो। तो इसके देखिए साइड पे जेब होगा, तो साइड जेब किस तरह से लगाना हो और नीचे का जो फिटिंग्स है। बाकी सिलाई करने के लिए आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। इस तरह से इसका फिटिंग्स होगा देखिए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको मेरा आज की वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगने पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगा दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।